So hello guys, welcome to my channel Maddie Reviews once again. Thanks a lot यार last videos पे अच्छा response देने के लिए. तो सबसे पहले जो मेरी first video थी कुछ 41 views cross कर गई and last जो tech news है उसको भी काफी अच्छा support मिला. तो thanks a lot. तो आज जो है हम concentrate करेंगे on budget fitness trackers. तो ये है मेरे हाथ में MI का MI Band 2 HRX edition. तो इसके बारे में मैं सारे जो भी मुझे डिसएडवांटेजेस पता चले वो बताऊंगा. तो ज़्यादातर मैं डिसएडवांटेजेस पे क्यों कॉन्सेंट्रेट करूंगा उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि जो भी बजट फिटनेस ट्रैकिंग में सारे लोग जाना चाहते हैं कि यार थोड़ा कम बजट में उन्हें ज़्यादा अच्छे फिटनेस ट्रैकिंग मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं हो पाती. कहीं ना कहीं ये बैंड जो है बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर देता है तुम्हारा स्टेप काउंट, तुम्हारे कैलोरीज बर्न, डिस्टेंस. तो आज उसके बारे में बात करेंगे. तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही इजी सा सॉल्यूशन निकाला है. मैंने इसे अपने फिटबिट ब्लेज से कंपेयर करके देखा एंड जो मुझे रिजल्ट्स मिले यार वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थे एज कम्पेयर टू द HRX एडिशन. तो लेट्स गेट इट टू इट. सो यार ये रहा हमारा MI का जो है MI Band 2 HRX एडिशन. तो सबसे पहले तो इसमें जो मेन चीज़ है, पहले इसके फीचर्स थोड़े कवर कर लेते हैं जो ज़्यादा लोगों को पता होंगे, पर तभी भी हम कवर कर लेते हैं. सबसे पहले तो टाइम दिखाता है विद द डेट, देन जो हमारा स्टेप काउंट है, देन जो डिस्टेंस हमने कवर करी है और कैलोरीज बर्न्ड. तो यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत टेस्टिंग के लिए इधर उधर स्टेप्स चल के देखे और मैंने ध्यान दिया कि यार जो है मेरे स्टेप्स बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहा है, क्योंकि मैंने अपने दूसरे हाथ में अपनी ब्लेज डाल रखी थी. एंड जबकि आप ब्लेज के स्टेप्स देखो तो यहाँ पे कुछ 75 स्टेप्स हैं, जबकि इस बैंड में जो है 86 स्टेप्स हैं. और ये मैं अभी प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि क्यों इतने ज़्यादा हैं इस बैंड में. देन टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, 51 मीटर्स, जबकि ये कुछ 0.3 किलोमीटर्स के हिसाब से दिखा रहा है. तो देख ही लो 0.3, दैट मीन 30 मीटर में चला हूँ जबकि यहाँ पे 51 मीटर दिखा रहा है. तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फर्क है. प्लस इसमें हार्ट रेट है नहीं, तो उसका कंपैरिजन करना मेरे लिए था नहीं मुश्किल था. एंड पहली बात तो हो ही नहीं सकता, हार्ट रेट है ही नहीं. पर हार्ट रेट ना होने का इसका एक फ़ायदा है, वो है कि उस बैटरी लाइफ थोड़ी एक्सटेंड हो जाती है, एक महीने तक मिल जाती है आराम से. द ओनली थिंग इसमें मुझे जो अच्छा लगा वो है बैटरी लाइफ का. बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, आराम से यार एक चार्ज पे एक महीना चल जाता है तुम्हारा बैंड. बट जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें ओवर एस्टिमेट करता रहता है तुम्हारे स्टेप्स. और कहीं ना कहीं जो इसका डिज़ाइन है ट्रैकर का वो भी काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल सा है टू वेयर. यहाँ पर इन्होंने HRX की ब्रांडिंग भी करी हुई है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं. पर क्या है इस बैंड में अनकंफर्टेबल चीज़, क्या है कि बैंड को डालने में मुझे पर्सनली बहुत मुश्किल हुई यार कि इसे कैसे रिस्ट पे फिट करूं, क्योंकि परफेक्ट नहीं आ रहे मेरा ये रिस्ट पे. कहीं ना कहीं ये लूज बैठ रहा है मेरे रिस्ट पे, तो वो कहीं ना कहीं मुझे डिसएडवांटेज सा लगा. प्लस जो इस बैंड का है कहीं ना कहीं जो डिज़ाइन है वो MI ने भी खुद कहा था कि उन्होंने इम्प्रूव किया है MI Band 3 में, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रैकर जो है गिर जाता है. रनिंग करते वक्त भी मेरे काफ़ी थोड़े बुरे एक्सपीरियंसेस रहे थे कि ट्रैकर गिर गया था, पर बाद में फाइनली आई फाउंड इट. तो ये दिखाता हूँ मैं तुम सबसे पहले 86 स्टेप्स है यहाँ पे. अब एक मिनट में अगर मैं अपना थोड़ा रिस्ट शेक करूँ, अपनी रिस्ट शेक करूँ, ऐसे थोड़ा मूवमेंट करूँ अपने रिस्ट में, तो ये यहीं पे. तो यार जैसा मैंने कहा था कि पहले इस पे 86 स्टेप्स मैंने तो मैं दिखाया, अगर मैं थोड़ी सी भी अपनी अगर रिस्ट ज़्यादा शेक करूँ तो एक बार स्टेप काउंट चेक करते हैं. तो यहाँ पे 101 पे बढ़ जाते हैं इसके स्टेप्स. एंड लेट्स चेक द डिस्टेंस, तो इसमें 60 किलोमीटर्स हो जाता है, दैट्स 9 मीटर बढ़ जाता है. तो यार बहुत होता है ये जो है. और कैलोरीज बर्न भी चलो एक बढ़ गई. सो एक कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि अगर तुम अपने ज़्यादा रिस्ट शेक कर रहे हो, मूवमेंट तुम्हारी बॉडी का कम है, तुम अपने आप को ही ब्लफ कर सकते हो बैठे बैठे. तो ये कहीं ना कहीं HRX बैंड का मुझे बहुत ख़राब फीचर लगा. ये उन्होंने कहा है कि उन्होंने फिक्स कर दिया MI Band 3 में, तो लेट्स सी जैसी MI Band 3 आता है मैं एक रिव्यू ज़रूर डालूंगा कंपेयरिंग द HRX बैंड एंड द MI Band 3. तो चलो थैंक्स अ लॉट वीडियो देखने के लिए. अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना, और जाते जाते यार वो सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर हिट करते जाना ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तुम सबको पता चल जाए. सो थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, अगली वीडियो में ज़रूर मिलते.